11 बजे संजौली में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार तारीख पे तारीख वाला खेल जनता के साथ खेल रही है, अब हमारी हिमाचल प्रदेश की सनातनी जनता जो भी है वो अब इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी और एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत जिसको विकराल आंदोलन होने जा रहा है, जो 11 तारीख को 11 बजे संजौली चौक से आरंभ होगा। और इसमें विविध संगठन, हमारे जो बहुत सारे एनजीओज है, हमारे युवक मंडल है, और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें हजारों की संख्या में भाग लेंगे। और सरकार को जिस प्रकार हमारे साथ ये तारीख पे तारीख वाला खेल खेल रही है, इसे खत्म करने के लिए, और जो यहाँ पे शिमला में जिस प्रकार डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र चल रहा है, बाहर से जो एक समुदाय विशेष के लोग अपने अलग अलग नाम बदलकर, कोई नाम बदलकर काम कर रहा है, कोई किसी तरह से काम कर रहा है, और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई रेडी फड़ियां लगा रहे हैं, कोई दूसरे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो ये आंदोलन है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और हम इसकी आधिकारिक घोषणा करते हैं। देखिए, जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन किसी संगठन विशेष का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। इसमें असंख्य संगठन समायोजित है, जैसे भाई केसी चौहान जी ने भी बताया कि इसमें विभिन्न युवक मंडल, महिला मंडल और बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संगठन है। ये आर पार की लड़ाई है, सरकार को, प्रशासन को झुकना होगा किसी भी कीमत पर। उस अवैध निर्माण को गिराए सरकार, प्रशासन, इससे कम किसी बात में कोई समझौता नहीं होगा। और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये अवैध रूप से जो आवर्जन हो रहा है, ये जो डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये वेल प्लान्ड, पावर स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड कॉन्स्पिरेसी है, कि जिस तरीके से यहाँ पे ये बाहर के जमाती लोगों को बसाया जा रहा है, रेडिया फड़िया दी जा रही है, और यहाँ की डेमोग्राफी के साथ साथ यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ का सनातन समाज, ये जनता कदाचित बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जो 11 तारीख को 11 बजे सनातन समाज, आम जनता आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, प्रशासन को झुकना होगा, सरकारों को झुकना होगा, आम जनता की बात माननी होगी, इससे कम किसी बात पे कोई नेगोशिएशन या समझौता नहीं होने जा रहा। देखिए, बाकी सब चीजें आ चुकी हैं जो हमारे ग्राउंड्स थे। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन होने वाला है 11-11 का, एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और ये एक इतिहास दर्ज करेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो लोगों की भावनाएं किस स्तर पे होगी वो आने वाला ये समाज तय करेगा। आने वाला समाज के अंदर मुख्यमंत्री भी आते हैं कि वो असल में जो ये सामने क्लियर जो चीजें आई हैं मस्जिद को लेकर, सब कह रहे हैं, अवैध कह रहे हैं, मंत्री महोदय का जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, लट्ठा लेके विधानसभा में कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास अलग लट्ठा, ये कौन सा लट्ठे हैं, दो लट्ठे, कौन सा बोगस है, कौन सा सही है, इसकी जानकारी आम जनता उस दिन लेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना ऐतिहासिक जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता।